students, welcome to RS group of schools for online classes. This is Naresh Verma, your English teacher. Today we will discuss the central idea on the poem on his blindness. That day we studied this poem on his blindness, central idea. The poem on his blindness is a famous sonnet composed by John Milton. ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक फेमस सोनेट है जॉन मिल्टन का इसे हम ये भी कह सकते हैं मिल्टोनिस सोनेट इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस इसमें पोएट ने क्या किया है अपनी ब्लाइंडनेस को इसमें शो किया है उसको जो जो उसको ग्रीफ है जो उसको मतलब दुख है उस बात का ये उसमें इसने शो किया है व्हेन द पोएट बिकम्स ब्लाइंड जब पोएट अंधा हो जाता है At his premature age, अपनी premature age में तो he complains to God, तो वो God से complain करता है for the injustice done to him, उसे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए वो God से complain करता है कि अब मैं कैसे poetry compose करूँगा actually God ने उसको मतलब एक बहुत special talent दिया था poetry compose करने का और अब वो सोच रहा है कि अब जब मैं अंधा हो गया हूँ तो मैं कैसे poetry compose करूँगा इसलिए मैं गॉड की सर्विस नहीं कर पाऊंगा नाउ ही फील्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू हिज पोएटिक टैलेंट गिवन बाय गॉड इन हिज डिवाइन सर्विस गॉड की डिवाइन सर्विस में अपने पोएटिक टैलेंट को वो शो नहीं कर पाएगा उस माध्यम से गॉड की सर्विस नहीं कर पाएगा गॉड की सेवा नहीं कर पाएगा तो बहुत ज्यादा वो दुखी है इस बात को लेकर के ही इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बाय गॉड For not being able to use his poetic talent, उसे डर इस बात का है कि मैं जब मेरी डेथ होगी मरने के बाद जब वो गॉड के सामने पेश होगा और गॉड जब उससे पूछेगा कि तुमने उस टैलेंट का तुमने क्या किया तो उसे डर इस बात का कि वो गॉड उसे डांटेगा कि तुमने उस टैलेंट को तुमने बर्बाद कर दिया तुमने उसे यूज नहीं किया तो इस बात को उसे बहुत ज़्यादा डर है बट वेन ही पीप्स इन टू The depths of his inner conscience, लेकिन जब वो अपनी inner conscience में झांक कर देखता है जब वो झांकता है उसको है ना अपनी inner conscience में तो वो क्या पाता है He finds उसे ये मतलब बात मिलती है that God does not need any service from humans against the gifts provided to them. तब उसे ये solution मिलता है कि God को actually किसी भी तरीके की gift किसी भी तरीके की service की आवश्यकता नहीं है जो उसने गिफ्ट्स दिए हैं इंसान को उसके बदले में कोई सेवा नहीं चाहता है उसको ये फील होता है ही फील्स दैट वन वो ये फील करता है कि कोई भी इंसान हु बियर्स ऑल द सफरिंग्स गिवन बाय हिम जो इंसान गॉड के द्वारा दी गए सारे सफरिंग्स को सारे कष्टों को बिना कोई कंप्लेंट के सह लेता है विदाउट एनी कंप्लेंट बिना कोई शिकायत के सह लेता है इज द बेस्ट सर्वेंट टू गॉड ऑफ गॉड वही गॉड का सबसे अच्छा सेवक है इस पोएट्री में जो दो सेक्शन है सोनेट में एक एक तो आपका है ऑक्टिव पहला जो फर्स्ट पार्ट है एट लाइंस का और दूसरा जो पार्ट है सिस्टेट सिक्स लाइंस का जो है तो फर्स्ट एट लाइंस में पोएट ने एक रेफरेंस में एक और दिया है इसको हम एल्यूजन बोलेंगे कि उसने जो है पोएट ने एक कंपोजिशन किया था उसका एपिक है बहुत ही बहुत फेमस उसका एपिक है लॉन्ग एपिक है पैराडाइज लॉस्ट तो एट लाइन्स में जब उसको क्या बोलते हैं जब वो ब्लाइंड हो जाता है तो वो सोच उसके हिसाब से वो सोचता है कि मेरा जो मेरा स्वर्ग था वो लॉस्ट हो गया खो गया लेकिन बाद में जो रेफरेंस जो सिस्टेट में रेफरेंस उसका दिया गया है उसने एक और लिखा है पैराडाइज रिगेन्ड जब उसे फील होता है कि बाहर का संसार मुझसे मतलब खो गया या मैं उसको नहीं देख सकता हूँ उसको मैं इंजॉय नहीं कर सकता हूँ अब तो मेरा पैराडाइज जो था मेरा जो मेरा स्वर्ग था वो मुझसे छिन गया लेकिन जब वो अंदर के संसार को झांक के देखता है तब ये पाता है कि जो मेरा अंदर का संसार है जो इनर मेरा वर्ल्ड है दैट इज बेटर देन द आउटर वर्ल्ड तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर इस पोयम में दो रेफरेंस और मिलते हैं पैराडाइज लॉस्ट का और पैराडाइज रिगेन्ड का इसके बाद में लिटरेरी नोट्स देखिए इसमें द पोयम इज अ पर्सनल सोनेट अब चूँकि पोएम जो है ये पोएट के ऊपर खुद इसमें मतलब बात बुरी मतलब इसमें पूरी बोली गई है तो ये उसका पर्सनल सोनेट है राइमिंग स्कीम क्या है ए बी
ये जो ABBA ये आपका ऑक्टेव पार्ट है और CDE ये आपका सिस्टेट पार्ट है। ये इटालियन सोनेट है जो कि मिल्टन ने अडॉप्ट किया था और इसको मिल्टन सोनेट भी बोलते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या है, इन्वर्जन है, जहाँ पर उसने बोला है कि इन द वर्ल्ड इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था जब पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी उसे बताया था कि इसमें जो वाइड है ये वर्ल्ड के बाद में दिया गया है, जो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है तो उसको बाद में कर देने की वजह से यहाँ पर इन्वर्जन हो गया था। और इसमें पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है, जब उसमें लिखा हुआ है द बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तो यहाँ पर जो पेशेंस है वो प्रिवेंट कर रहा है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, रोकता नहीं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आपका हो गया। लैंग्वेज इसमें क्या है, सिंपल है और ल्यूसिड है, मतलब बिल्कुल क्लियर इसमें लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। थैंक यू वेरी मच।